अस्सलाम वालेकुम। तो आज की रेसिपी है कॉफ़ी लवर्स के लिए। आज मैं बना रही हूँ द मोस्ट यमीएस्ट एंड द मॉइस्ट चॉकलेट कॉफ़ी केक। आई होप कि ये आपको ज़रूर पसंद आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 3 टेबल स्पून कॉफ़ी लेंगे। यहाँ पे मैं इंस्टेंट कॉफ़ी यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून नीम गर्म पानी। पानी आपने ठंडा नहीं डालना, नीम गर्म पानी ही डालना है। और 1 टेबल स्पून से ज़्यादा पानी ना डालिएगा, 1 टेबल स्पून पानी इनफ है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको एक साइड पे रख देंगे। अब एक बोल लेंगे, उसमें स्ट्रेनर रखेंगे और इसमें 2 कप मैदा डालेंगे। आप इस रेसिपी को हाफ भी कर सकते हैं। इसमें डालेंगे 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 2 टेबल स्पून कोको पाउडर यानी कि चॉकलेट पाउडर। इन सबको अच्छे से छान लेंगे। कोको पाउडर और मैदा आप ज़रूर छान के ही यूज़ किया करें। ये देखें कोको पाउडर में कितने लम्स होते हैं, इसकी वजह से जो है ना फिर केक अच्छे से बेक नहीं होता। इसको आप मिक्स कर लेंगे और एक साइड पे रख देंगे। अब एक बोल लेंगे और इसमें 4 अंडे डालेंगे। अंडे आपने रूम टेम्परेचर यूज़ करने हैं, अंडे फ्रिज वाले नहीं होने चाहिए। याद रखें जब भी केक बनाएं उसमें अंडे रूम टेम्परेचर ही यूज़ करें। अब इसमें डालेंगे 1.5 कप चीनी, 1.5 कप पिसी हुई चीनी। 2 कप मैंने मैदा यूज़ किया है, उसमें मैं 1.5 कप चीनी डाल रही हूँ। चीनी का लेवल मैदे से थोड़ा कम रखेंगे, अगर चीनी और मैदे का लेवल सेम होगा तो मीठा बहुत ज़्यादा हो जाएगा और खाने में मज़ा नहीं आता। अब आपने इसको अच्छे से बीट करना है ताकि चीनी अंडों में डिज़ोल्व हो जाए और अंडे लाइट से क्रीमी फॉर्म में आ जाएं। अब इसमें 1/2 कप ऑयल डालेंगे। अब अंडों और ऑयल को जस्ट इतना बीट करना है कि सिर्फ ये मिक्स हो जाएं, बहुत ज़्यादा बीट नहीं करना है इसको। 30 सेकेंड्स के लिए इनको बीट करेंगे। अब इसमें जो हमने कॉफ़ी का मिक्सचर बना के रखा था वो डाल देंगे। डालने से पहले एक दफ़ा दोबारा मिक्स कर लीजिएगा। अब इसको भी जस्ट मिक्स करने की हद तक बीट करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं बीट करना इसको। अब बीटर को एक साइड पे कर देंगे और जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हमने मिक्स करके रखे थे वो हाफ ऑफ करके इसमें डालेंगे। एकदम से सारा ना डाल दीजिएगा वरना मिक्स करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अब इसको कट एंड फोल्ड मेथड से मिक्स कर लेंगे। पहले साइड से मिक्स करेंगे, अगर मिक्स करने में थोड़ी सी मुश्किल हो तो सेंटर से इसको कट करके फिर मिक्स कर लेंगे, जैसे आप देख सकते हैं जैसे मैं कर रही हूँ। मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें बाकी के जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स थे वो डाल देंगे और 1/2 कप नीम गर्म दूध डालेंगे। दूध आपने नीम गरम ही डालना है, ठंडा दूध ना डालिएगा। नीम गरम दूध डालने से केक जो है ना वो बहुत सॉफ्ट बनता है। अब इसको अच्छे से मिक्स करना है दोबारा। ये देखिए मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैंने एक रेक्टेंगल शेप का केक मोल्ड लिया है, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी शेप ले सकते हैं। अब इसमें हल्का सा ऑयल ब्रश कर लेंगे, साइड्स पे और सेंटर में ऑयल ब्रश कर लिया मैंने। अब इसमें बटर पेपर लगा लेंगे, अगेन बटर पेपर के ऊपर भी थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और इसमें केक का मिक्सचर डाल देंगे। केक का मिक्सचर डालने के बाद आपने इसको एक दफ़ा इस तरह से मिक्स कर देना और थोड़ा सा साइडों पे उसको फैला देना है। अब इसको काउंटर पर टैप ज़रूर करना है ताकि एयर बबल्स निकल जाएं। अब एक पतीला जिसको मैंने तकरीबन 10 से 15 मिनट पहले या कह लें जब मैंने केक का मिक्सचर बनाना स्टार्ट किया था ना उसको मैंने तब प्री हीट होने के लिए रख दिया था, उसमें केक का मिक्सचर रख देंगे। पतीले को आपने हमेशा लो हीट पर प्री हीट करना है। इसको कवर करके 50 मिनट्स के लिए बेक करना है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको इसको बेक करने में 50 मिनट या 1 घंटा लग सकता है। फ्लेम बिल्कुल लो रखना है और ये देखें 50 मिनट्स में मेरा केक बेक हो गया है। अब मैं इसको क्लिंग रैप से रैप कर दूंगी।
आप केक को बेक करने के बाद इस तरह से रैप ज़रूर किया करें, या कपड़े से या रैप से किसी भी चीज़ से। इससे जो केक का मॉइस्चर है वो उसके अंदर ही लॉक हो जाता है और केक सॉफ्ट रहता है। तकरीबन 15 मिनट के बाद मैंने इसका रैप उतारा है। अब केक को निकाल लेंगे। केक को ऊपर से बराबर करने के लिए इसके ऊपर से मैंने थोड़ा सा केक उतारा है ताकि ये ऊपर से बिल्कुल इवन हो जाए, एक जैसा हो जाए। इसको भी मैं ज़ाया नहीं करूँगी, इसको खा लूँगी मैं। अब मैंने 3 से 4 टेबलस्पून पानी लिया है, नीम गर्म पानी। इसमें 1 टीस्पून चीनी डाली है मैंने, किसी भी चीनी डाली है, आप दूसरी चीनी भी डाल सकते हैं। और केक को मैंने ही, मेरे पास ये रेक्टेंगल शेप का बोल था, इसके साइज़ के मुताबिक मैंने इसको काट के इसमें रख लिया है। आप किसी भी बोल में रख सकते हैं। अब जो शुगर सिरप मैंने बनाया है उसको केक के ऊपर डाल देंगे। अच्छे से आपने इसको केक के ऊपर डालना है ताकि केक अच्छे से मॉइस्ट हो जाए। अब इसको तकरीबन 30 मिनट्स के लिए फ्रिज में रख देंगे। अब 1 टीस्पून पानी में 1/2 टीस्पून कॉफ़ी मिक्स करेंगे और 3/4 कप मैंने व्हीपिंग क्रीम ली है। 3/4 कप, 1 कप से थोड़ी सी कम ली है मैंने। इसमें कॉफ़ी डाल देंगे और इसको अच्छे से बीट करेंगे। पहले इसको लो स्पीड पे बीट करेंगे और फिर हाई स्पीड पे इसको अच्छे से बीट कर लेंगे ताकि ये सॉलिड फॉर्म में आ जाए। ये देखें, क्रीम अच्छे से बीट हो गई है। अब क्रीम अच्छे से बीट हो गई है। अब मैं इसको एक पाइपिंग बैग में डाल रही हूँ। आप इसको डायरेक्ट भी केक के ऊपर लगा सकते हैं, लेकिन मुझे इस तरह से थोड़ा आसान लगता है। अब क्रीम को केक के ऊपर लगा लेंगे। इस तरह से क्रीम आसानी से डल जाती है, वैसे आप डायरेक्ट भी डाल सकते हैं। अब क्रीम को अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। अब केक को तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि ऊपर से जो क्रीम है वो सेट हो जाए। अब मैंने थोड़ी सी डार्क चॉकलेट ली है, तकरीबन 70 to 80 grams, और इसको मैंने रफली चॉप कर लिया। इसको डबल बॉयलर मेथड से मेल्ट करूँगी। एक सॉस पैन लिया है मैंने, उसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल के गर्म किया। जब पानी में उबाल आया तो उसके ऊपर एक शीशे का बोल रख दिया और उसमें चॉकलेट डाल दिए। इसी हीट से चॉकलेट मेल्ट हो जाएगी। अभी मैंने चॉकलेट में थोड़ा सा दूध डाला है, 1 टेबल स्पून ऑलमोस्ट दूध डाला है मैंने, और इसको मिक्स करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता ये मेल्ट हो जाएगी। अभी मुझे लग रहा था कि चॉकलेट थोड़ी सी थिक है, इसलिए मैंने इसमें 1 टेबल स्पून मज़ीद दूध डाला है, यानी कि टोटल 2 टेबल स्पून मिल्क डाला है मैंने इसमें। और ये देखें, चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो गई है। अब इसको ठंडा करेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना, बस रूम टेम्परेचर पे आ जाए तो इसको केक के ऊपर डाल दें। अब इसको एक नाइफ से स्प्रेड कर लेंगे। आप चॉकलेट को स्किप भी कर सकते हैं, चाहे तो ना डालें। अब मैंने थोड़ा सा कोको पाउडर लिया, उसको स्ट्रेनर में डाल लिया और इसको इस तरह से केक के ऊपर स्प्रिंकल कर दिए। इसकी साइड्स को मैं साफ़ कर लूँगी ताकि थोड़ी सी नीट लुक आए। अब इसको फ्रिज में रख देंगे और इसको ठंडा ठंडा सर्व करेंगे। तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए आप इसको फ्रिज में रख दें। जब ये कम्प्लीटली ठंडा हो जाए तब इसको सर्व करें। बहुत मज़े का बनता है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी फ़ैमिली को, सबको बहुत पसंद आएगा। सो मिलते हैं एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।